वेलकम बैक गाइस, आज हम बात करने वाले हैं नेगा वैन 10 के कुछ स्पेशल एलियन के बारे में। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वैन 10 यूनिवर्स में नेगा वैन का जो करेक्टर है वो काफी ज्यादा डार्क है और इसके जो एलियंस है वो भी काफी ज्यादा डार्क है, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और नेगा वैन 10 की इस एलियन की लिस्ट में मैंने गाइस उन एलियन को इंक्लूड किया जो की ऑफिशियली कन्फर्म है की नेगा ट्रिक्स के अंदर मौजूद है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा ऑसम होने वाले, इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे नंबर वन की पोजीशन पे है गुड रोट। आप लोगों ने इस एलियन को वैन 10 के शो में भी देखा होगा क्योंकि नेगा वैन जो है वैन 10 के शो में इस एलियन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और अगर इस एलियन की पावर अबिलिटी की बात करें तो गाइस गुड रोट के पास सिंपल सी पावर है कि वो किसी भी तरह की गैस को प्रोड्यूस कर सकता है, अपनी पावर का यूज करके किसी भी तरह की गैस को बना सकता है। वो स्लीपिंग गैस भी बना सकता है जिसकी मदद से वो किसी को भी सुला सकता है, वो जहरीली गैस भी बना सकता है जिससे किसी को भी चोट पहुंचा सकता है। तो गुड रोट की जो पावर अबिलिटी है वो सिर्फ गैस बनाना है। इसके अलावा इसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्स जंपिंग की पावर काफी ज्यादा अच्छी है। अब बात करते हैं सेकंड एलियन के बारे में जो कि है गूप। अभी बात काफी सारे लोगों को नहीं पता थी कि नेगा वैन की नेगा ट्रिक्स में गूप भी मौजूद है। तो आपको मैं बता दूं कि गूप नेगा वैन के पास मौजूद है, वो कभी भी गूप में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और गूप की पावर एबिलिटी के बारे में तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप लोगों ने वैन को काफी बार गूप को यूज करते हुए देखा है। अब बात करते हैं थर्ड एलियन के बारे में जो कि है रैथ। अब गाइस नेगा वैन की नेगा ट्रिक्स में रैथ भी मौजूद है, ये बात काफी सारे लोगों को नहीं पता थी लेकिन अब शायद पता लग जाएगी। अगर रैथ की पावर एबिलिटी की बात करें तो गाइस रैथ के पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस और उसकी स्पीड तो आप लोग देख ही चुके हैं वैन 10 के शो में, क्योंकि हमारा वैन रैथ के ट्रांसफॉर्मेशन में काफी बार आ चुका है और उसकी पावर एबिलिटी हमें देखने को मिल चुकी है। रैथ के जो क्लोज है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो किसी भी चट्टान तक को चीर सकते हैं। अब बात करते हैं नेगा वैन के फोर्थ एलियन के बारे में जो कि है वाइल्ड मट। अब गाइस नेगा वैन के पास वाइल्ड मट है, इस बारे में आप में से कई लोगों को पता होगा लेकिन काफी सारे लोगों को पहले से नहीं पता था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेगा वैन के पास ऑफिशियली वाइल्ड मट भी है और नेगा वैन जब भी चाहे नेगा ट्रिक्स का यूज करके वो वाइल्ड मट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और अगर वाइल्ड मट की पावर की बात करें तो गाइस वाइल्ड मट के पास स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, जंपिंग की पावर और उसकी स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है। वहीं पे इसकी मेन पावर की बात करें तो गाइस वाइल्ड मट की जो मेन पावर है वो है सूंघना। वाइल्ड मट के पास आंखें नहीं है लेकिन उसके बाद भी वाइल्ड मट जो अपनी सूंघने की पावर से काफी चीजों का पहले से पता लगा लेता है और अपने ओपोनेंट के साथ फाइट भी करता है। वाइल्ड मट की सूंघने की शक्ति इतनी ज्यादा है कि वाइल्ड मट जब भी किसी ओपोनेंट को ढूंढने की कोशिश करता है उसको थोड़े ही टाइम में ढूंढ लेता है, क्योंकि वाइल्ड मट जो है काफी दूर से किसी को भी सूंघ सकता है। अब बात करते हैं फिफ्थ एलियन के बारे में जो कि है विगचिल। अब ये बात काफी सारे लोगों को नहीं पता थी कि नेगा वैन के पास नेगा ट्रिक्स में विगचिल भी मौजूद है। तो मैं आपको बता दूं कि विगचिल भी एक डार्क एलियन है जिसकी वजह से वो नेगा ट्रिक्स में मौजूद है और नेगा वैन अपनी नेगा ट्रिक्स का यूज करके कभी भी विगचिल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। विगचिल की पावर एबिलिटी के बारे में तो आप लोग जानते हैं, वो गायब हो सकता है, उसकी बॉडी को कोई नहीं छू सकता और उसके पास आइस की पावर और वो फ्लाई कर सकता है। उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है और हमें वैन 10 एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियन, ओमनिवर्स इन सब सीरीज के अंदर बैन जो है काफी बार विगचिल का यूज कर चुका है और विगचिल की पावर के बारे में आपको और मुझे काफी अच्छे से पहले से पता है। अब बात करते हैं नेगा वैन के सिक्स्थ एलियन के बारे में जो कि है फ्रैंकेस्टाइन। अब गाइस वैसे तो नेगा वैन के इस एलियन का नाम ये नहीं है लेकिन वैन 10 के पास हमें जो एलियन देखने को मिला वो फ्रैंकेस्टाइन है। और अगर आप लोग नेगा वैन के इस एलियन का नाम जानना चाहते तो ऊपर आप लोग को दिख रहा होगा क्योंकि नेगा वैन ने इस एलियन का नाम अपने हिसाब से अलग से रखा हुआ है लेकिन हम लोग इसे फ्रैंकेस्टाइन के नाम से जानते हैं और इसके पास इलेक्ट्रिक पावर्स जैसे कि हमें वैन 10 शो में देखने को मिला कि वैन भी इस एलियन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब बात करते हैं नेगा वैन के सेवंथ एलियन के बारे में और ये काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये एलियन वैन 10 के सबसे पावरफुल एलियन की टॉप 10 की लिस्ट में सेकंड नंबर की पोजीशन पे आता है और इस एलियन का नाम है अटोमिक्स। हाँ गाइस नेगा वैन के पास भी नेगा ट्रिक्स में अटोमिक्स मौजूद है और नेगा वैन चाहे तो अटोमिक्स का यूज करके किसी भी ओपोनेंट को काफी कम टाइम में हरा सकता है क्योंकि अटोमिक का पावर लेवल काफी ज्यादा है, वो न्यूक्लियर अटैक्स कर सकता है। और गाइस न्यूक्लियर अटैक कितना ज्यादा पावरफुल होता है आपको ये बात पता ही है। अटोमिक्स फ्लाई भी कर सकता है, कई तरह की गैस प्रोड्यूस कर सकता है और गाइस अटोमिक नेगा वैन का अब तक का सबसे पावरफुल एलियन है। तो ये थे नेगा वैन के 7 एलियन जो कि ऑफिशियली कंफर्म है कि नेगा ट्रिक्स में मौजूद है। लेकिन गाइस अगर गलती से मुझसे कोई भी एलियन मिस हो गया है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता देना। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाए। तो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ये वाली वीडियोस देख सकते हो।